कमिश्नर भी हैं, आइए आज आइए, कल दोनों समय आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, माँ का दरबार आपके लिए भी खुला रहेगा, तो माँ भी है आपके बीच में, इसलिए आइए दर्शन करिए और पीछे वाले सभी दर्शकों को जो दर्शनार्थी हैं उनको आने का मौका दें। कृपया महिलाओं की लाइन को आगे बढ़ाइए, महिलाओं की लाइन को आगे बढ़ाइए, बीच में ना रुकिए, बीच में ना रुकिए, आगे बढ़ते रहिए, दर्शन के उपरांत आगे बढ़िए। मिताली क्लब में विशाल पंडाल माता जी का सजा करके यहाँ पर माता जी की उपासना की जाती है। काफी संख्या में लोगों ने यहाँ पर अपने हाजिरी लगाई है माता जी के दरबार में। रेनीकूट जनपद सोनभद्र में सबसे भव्य श्रृंगार होता है माता जी का मिताली क्लब रेनीकूट में, और यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ जो माता जी की व्यवस्थापक में लगे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सर जी क्या कहना चाहेंगे, मिताली क्लब में अद्भुत ये बनाया गया पंडाल और माता जी की उपासना, इसके बारे में कुछ बताओ, काफी मशहूर है मिताली क्लब का। ये मिताली क्लब का जो पंडाल है जी, ये हमारे बाहर का जो मंदिर है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर के तरह से बनाया गया है जी, और अंदर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी, ये आपका इस्कॉन मंदिर मायापुर वेस्ट बंगाल में जो है उसपे आधार पर बनाया गया है जी। 480 बांस इसमें लगे हुए हैं जी, कलकत्ता से सभी कारीगर आए हुए थे, उन्होंने अच्छी बड़ी अद्भुत और मेहनत से बनाया है। आपके सामने मूर्तियां हैं, पेस्ट हैं, आप देख सकते हैं, जीता जागता माँ का उदाहरण है, माँ की आँख को देखिए, माँ के सभी देखिए, जैसे सजीव माता जी सजीव आके जैसे अवतरण हुआ है वहाँ का, इस तरह का वो है। देखिए होता है कि कलाकार की कलाकारी वही अच्छी रहती है कि लगे कि माता जी भी बोलने वाली है या माता जी देख रही है। देखिए काफी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं जी, और यहाँ पर जो पंडित जी लोग हैं बंगाल से आए हुए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा, और काफी अच्छा रहता है। देखिए जनपद सोनभद्र रेनीकूट में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, आप अपना परिचय दीजिए। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, यहाँ का जो दृश्य है माता जी का जो दरबार सजाया गया है, कैसा लगा यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप हिंदी समझते हैं? आप हिंदी बोल भी सकते हैं, आप हिंदी में ही बोले। देखिए यहाँ पर बहुत भव्य और ये विशाल पंडाल जो बनाया जाता है, ये जनपद सोनभद्र में काफी मशहूर है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा जी, अच्छा से बनाया है सब पंडाल। हाँ बहुत अच्छा लगता है, ये साल तो बहुत अच्छा था। देखिए सभी लोगों ने अपने विचार उद्गार किए हैं माता जी के प्रति, यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनको माता जी का बुलावा होता है, सभी लोगों ने आकर के यहाँ पर माता जी के दर्शन किए हैं, सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। इससे क्या होगा कि व्यवस्था बनी रहेगी, कलाकारों ने बनाया है जो कलकत्ता से आए थे, और रात की मेहनत के उपरांत ये खूबसूरत सा पंडाल आपके सामने खड़ा किए हैं। सभी भाइयों बहनों को हमारा ये जानकारी है कि पिछले बहुत वर्षों से लगातार मिताली क्लब आपके सामने हर बार कुछ नया लेकर के आ रहा है, हर बार एक नई इस पंडाल की का स्वरूप आपके सामने उपस्थित करते हैं, जो देखने में तो सामान्य पंडाल होता है, लेकिन इसके पीछे एक लगन, एक मेहनत और अदम्य, आप कह सकते हैं बड़ा स्थिति होती है कि एक खूबसूरत रूप लाया जाता है। अंदर का स्वरूप भी इस बार कुछ हम लोगों ने अलग किया है, जो पिछले बार की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। तो आइए माँ का दर्शन करिए, माता बहनों से अनुरोध है माँ का दर्शन करने के उपरांत आगे बढ़ते रहिए। माताएं पाले रुके नहीं, देखिए आपकी लाइन पीछे बहुत ज्यादा भर गई है और वो ला नहीं पा रहा है। माताएं पाले, माताएं बहने दर्शन के उपरांत आगे बढ़ती रहे।